मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इंदौर उद्योगपति से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बिजली दरों के ट्रैफिक पर बात की। वहीं मंत्री ने उद्योगपति को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आज इंदौर में मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी में फैले माफियाओं पर कार्रवाई जल्द होगी। सूची तैयार करके अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के आग लगाने और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में आंदोलन के जरिए आग लगाने के बयानों की मंत्री ने निंदा की। वहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। मंत्री प्रियव्रत सिंह ने फिल्म छपाक को लेकर कहा कि यह फिल्म सामाजिक क्षेत्र में अच्छा संदेश देने वाली है। वहीं नागरिक बिल को लेकर प्रियव्रत सिंह ने कहा, जो कांग्रेस का स्टैंड है वही मेरा है। सर, आज इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मिलने के लिए आए हैं, या टैरिफ को लेकर एक समस्या है और जो ट्रिपिंग हो रही है बार बार इंडस्ट्रीज को लेकर, उसको लेकर किस तरह से? काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री एसोसिएशन की मांग थी कि मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। जितनी भी समस्याएँ हैं इनका निदान हम करेंगे। खासकर जो कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर अगर ट्रिपिंग आती है तो उससे बहुत नुकसान होता है। वो हमारा फोकस रहेगा, वो उसको सॉल्व करें। सर, दूसरा ये था कि जो हम अदर स्टेट को जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 90 पैसे से लेकर 2.5 रुपये तक का, तो वही बिजली अगर हम मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को कम रेट पे रात के समय दें तो इस तरह की डिमांड्स भी है, इस पर कोई विचार होगा क्या? हाँ, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और आज पहले इंडस्ट्री के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी बात सुन लें और उसके बाद इसमें क्रियान्वयन का काम करेंगे। सर, बिजली दरें बढ़ाने को लेकर भी अजगर आ रही है, क्या बिजली दरें बढ़ेंगी तो जिसके कारण अभी ये हालत हो गया? वैसे बिजली दरें बढ़ाने का जो काम है विद्युत नियामक आयोग करता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बिजली दरें नहीं बढ़नी चाहिए। इसके बाद जिस तरह से कमलनाथ सरकार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, तो विद्युत वितरण कंपनी में भी माफिया है जो लगातार जितने अधिकारियों ने प्रकरण दर्ज करवाया उन पर कार्रवाई होती है? बिल्कुल, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, कोई नाम चिन्हित किए हैं जिस तरह से अलग अलग विभागों के नाम चिन्हित किए जा रहे हैं, तो ऐसे माफियाओं के कोई नाम चिन्हित इसमें चिन्हित करने का काम अगर विद्युत वितरण कंपनी ने किया है तो अभी गवर्नमेंट के पास उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, पर अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इसमें कदम उठाऊंगा। सर, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनौती दे रहे हैं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव आग लगाने की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में अधिकारियों कहते हैं कि मुर्गा बना दूंगा, तो ये क्या लगता है आपको कि बौखलाहट है क्या चीज़? भाजपा का मानसिक दिवालियापन है। बड़ी शर्म की बात है कि इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। इंदौर को जलाने की ताकत किसी में नहीं है। इंदौर सभ्य लोगों का शहर है और इंदौर का हर नागरिक अपना आत्मसम्मान जानता है और उनके आत्मसम्मान को ऐसे बयान ठेस पहुंचाते हैं। दूसरा, मूवी को लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा है, टैक्स फ्री कर दिया छपाक को। देखिए, एक सोशल इशू की मूवी है। छपाक एक बहुत बड़े सोशल इशू को रेज करती है। ये उन विक्टिम्स की पीड़ा दिखाती है पिक्चर जिनके ऊपर एसिड अटैक्स हुए हैं, और एसिड अटैक्स के विक्टिम्स के प्रति सहानुभूति, समाज अगर उनको उनकी पीड़ा को कम करना चाहता है तो कम से कम राजनीतिक बयानबाजी से इसमें बचना चाहिए। सर, सीए कानून आज पास हो गया, क्या कहेंगे सीए को लेकर? जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का भी वही ऑफिशियल स्टैंड है।